हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे बहुत ही फेमस पोएम द इंच केप रॉक की। द इंच केप रॉक पोएम रॉबर्ट साउदी ने लिखी है और ये जो पोएम है, इस पोएम से हमें यही मैसेज मिलता है कि अगर हम किसी का अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, और अगर हम बुरा करेंगे किसी के साथ तो हमारे साथ भी डेफिनेटली बुरा होगा। तो चलिए, पोइट्री को स्टार्ट करने के पहले हम लोग रॉबर्ट साउदी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। रॉबर्ट साउदी 1774 टू 1843 वाज बोर्न इन ब्रिस्टल, इंग्लैंड। तो इनकी बर्थ हुई थी 1774 में और डेथ हुई थी 1843 में। ये ब्रिस्टल इंग्लैंड में बॉर्न हुए थे एंड ही वाज द सन ऑफ ए ड्रेपर एडुकेटेड एट वेस्टमिंस्टर स्कूल एंड बेलियॉल कॉलेज ऑक्सफर्ड। तो ये काफ़ी गरीब खानदान में पैदा हुए थे और वेस्टमिंस्टर स्कूल और बेलियॉल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में इनकी पढ़ाई हुई और ये पोएट लॉरेट भी रहे, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएट थे ये इंग्लैंड के। और इनकी बहुत सारी पोएम्स फेमस है, जैसे कि द स्कॉलर, द बैटल ऑफ ब्लेनहम, बिशप हैटो, इंच केप रॉक, इनकी बहुत ही पॉपुलर पोएम्स है। तो ये एक बैलेड है एंड इट इज़ द स्टोरी ऑफ द 14th सेंचुरी अटेम्प्ट बाय द एबट ऑफ एबरब्रथॉक टू इंस्टॉल अ वार्निंग बेल ऑन इंच केप, अ नोटोरियस सैंडस्टोन रीफ। तो बेसिकली ये जो पोएट्री है वो एक असली कहानी से इंस्पायर्ड है, जहाँ पर एक क्रिश्चियन सेंट अबॉट, एक क्रिश्चियन सेंट होता है जो कि सारे नंस और मॉन्क्स का हेड होता है। तो वो जो अबॉट थे एबरब्रथॉक जगह के, उन्होंने एक पत्थर के ऊपर, समुद्र में एक सैंड रीफ थी, सैंडस्टोन से बनी हुई रीफ थी, यानी एक बहुत ही बड़ा पत्थर था समुद्र में। और जब कभी भी जहाज़ उस समुद्र से जाया करते थे तो उस पत्थर से टकरा कर कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता था और जहाज़ डूब जाते थे। इसीलिए उन्होंने उस रॉक के ऊपर, उस पत्थर के ऊपर एक बेल को बांध दिया था ताकि लोगों को पहले से ही सुनाई दे जाए कि वहाँ पर वो पत्थर है और लोगों के शिप्स एक्सीडेंट होने से बच जाएं। लेकिन बाद में एक समुद्री लुटेरे ने उस बेल को काट दिया था ताकि लोग डूब जाएं, लोगों के एक्सीडेंट्स हो जाएं और फिर कोई भी उस एबॉट की तारीफ ना करे, इसीलिए उस समुद्री लुटेरे ने उस बेल को काट दिया था। लेकिन बाद में एक दिन वो खुद ही अपनी मिस्चीफ का शिकार हुआ, उसने उस बेल को काट दिया था जिस वजह से उसे ही नहीं सुनाई दिया और वो समुद्री लुटेरा डूबकर मर गया। उसी कहानी से इंस्पायर होकर रॉबर्ट साउदी ने इस पोएम को लिखा। तो साउदी वॉज इंस्पायर्ड बाय द लेजेंडरी स्टोरी ऑफ ए पायरेट हु रिमूव्ड द बेल ऑन द इंच केप रॉक प्लेस बाय द एबट ऑफ एबरब्रथॉक। द पोएम गिव्स अस अ मैसेज दैट दोज हु डू रॉन्ग थिंग्स विल मीट विद ड्यू पनिशमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पोएम हमें यही मैसेज देती है कि अगर कोई गलत करेगा तो उसे पनिशमेंट भुगतनी पड़ेगी। अब चलिए हम लोग पोएट्री को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। द इंच केप रॉक, नो स्टर इन द एयर, नो स्टर इन द सी। तो क्या बताया गया है कि ना तो हवा में कोई हलचल थी और ना ही समुद्र में कोई हलचल थी। नो स्टर वर्ड रिपीट किया गया है, इसलिए ये रेपिटेशन है फिगर ऑफ स्पीच। द शिप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी। तो जो शिप है, जहाज़ है, वो एकदम शांत हो गया था जितना हो सकती थी वो। तो यहाँ पे शिप को शी कहा गया है, एक औरत से कंपेयर किया गया है, तो एक फेमिनाइन क्वालिटी दी गई है शिप को, इंसानी क्वालिटी। और इस फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, जहाँ पे कोई ह्यूमन क्वालिटी किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को दी जाती है। हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन। तो उसका जो सेल है शिप का, उसे भी आकाश से कोई हवा नहीं आ रही थी। फ्रॉम हेवन, तो यहाँ पे हेवन आकाश को कहा गया है, स्काई को कहा गया है कि स्काई से कोई भी हवा नहीं आ रही थी, जिस वजह से जो शिप के जो सेल्स हैं वो भी नहीं चल रहे थे, वो आगे नहीं बढ़ रहा था, एकदम शांत हो गया। तो फिर से यहाँ पे हर कहा गया है शिप को, इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन है। हर कील वॉज स्टडी इन द ओशन। तो कील क्या होता है? कील बेसिकली लकड़ी या मेटल का टुकड़ा होता है जो शिप के नीचे लगा रहता है ताकि शिप यहाँ वहाँ ना गिर जाए, स्ट्रेट चले। तो उसका जो कील है वो एकदम स्ट्रेट तरीके से चल रहा था, इनफैक्ट एक ही जगह पर रुका हुआ था, इसीलिए क्योंकि बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। अगर हम
राइम स्कीम की बात करें तो इस पोएम की राइमिंग स्कीम है ए ए बी बी, जैसे कि हम देख सकते हैं सी बी ये राइमिंग है इसलिए ए ए, मोशन ओशन ये राइमिंग है इसलिए बी बी। विदाउट आइदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक द वेव्स फ्लोड ओवर द इंच केप रॉक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं साइन और साउंड, स का साउंड रिपीट हुआ इसलिए एलिट्रेशन है। तो क्या बताया गया है कि वो जो वेव्स हैं जो लहरें हैं वो बिना किसी साइन या साउंड के इंच केप रॉक के ऊपर से जा रही थी, उस पत्थर के ऊपर से लहरें जा रही थी और इस वजह से वो रॉक कभी कभी नज़र नहीं आया करता था। सो लिटिल द रोज सो लिटिल दे फेल दे डिड नॉट मूव द इंच केप बेल। तो इतने धीमे धीमे वो लहरें उठ रही थी और गिर रही थी कि वो जो इंच केप बेल है वो भी नहीं हिल रही थी। तो लिटिल लिटिल यहाँ पे फिर से रिपीट है इसलिए रेपिटेशन है। और हम देख सकते हैं कि ऑपोजिट वर्ड्स का भी इस्तेमाल है, रोज और फेल, रोज यानी उठना, फेल यानी गिरना, इसलिए ये एंटीथीसिस भी है बिकॉज ऑपोजिट वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। द एबट ऑफ एबरब्रथॉक हैड प्लेस दैट बेल ऑन द इंच केप रॉक। तो अब बताया जा रहा है कि उस पत्थर पर उस बेल को किसने लगाया था, तो पत्थर पर बेल को लगाया था एबट ऑफ एबरब्रथॉक ने, एबरब्रथॉक नाम की जगह के एबट ने। तो एबट का क्या मतलब होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हेड ऑफ एबे ऑफ मॉन्ग्स, अ बिल्डिंग वेयर मॉन्ग्स और नंस लिव और यूज टू लिव। तो एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर नंस या मॉन्ग्स साधु सन्यासी जो कि क्रिश्चियनिटी के होते हैं वो लोग रहते हैं, उनके हेड को एबट कहते हैं। एबरब्रथॉक जगह का नाम है और अ का जो साउंड है वो रिपीट किया गया है इसलिए ये एलिट्रेशन है। हैड प्लेस दैट बेल ऑन द इंच केप रॉक, तो एबट ऑफ एबरब्रथॉक ने ही उस बेल को इंच केप रॉक पर रखा था, मतलब लटकाया था जैसे कि हम यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। ऑन अ बॉय इन द स्टॉर्म इट फ्लोटेड एंड स्वंग। तो बेसिकली एक लकड़ी पर उस बेल को लगा दिया गया था, तो बॉय का भी यहाँ पे मीनिंग दिया गया है, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट एंकर्ड इन द सी टू मार्क डेंजरस प्लेसेस। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है बॉय जो फ्लोट करता रहता है पानी में यहाँ से वहाँ, और वो इसीलिए लगाया जाता है ताकि लोगों को वार्निंग मिले कि उस जगह पर कुछ डेंजरस है और लोग थोड़ा सावधानी से आगे बढ़ें। तो वो बॉय लगा दिया गया था और वो जो है वो आगे पीछे होता रहता था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इन्वर्जन है लाइन, ऑन अ बॉय इन द स्टॉर्म इट फ्लोटेड इन स्वंग, जबकि होना चाहिए इट फ्लोटेड एंड स्वंग ऑन अ बॉय इन द स्टॉर्म। तो आगे पीछे किया गया है वर्ड्स को इसलिए इन्वर्जन है। एंड ओवर द वेव्स इट्स वार्निंग रंग, तो बेल की जो वार्निंग है उन सारे लहरों के ऊपर उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। When the rock was hit by the surge's swell, तो क्या बताया गया है कि जब बहुत ही ऊंची लहरें आती थी, surge's swell यहाँ पर देखिए मीनिंग दिया है सडन एंड ग्रेट राइज इन द लेवल ऑफ द सी। तो जब एक हाई टाइड आती थी सडनली राइज होता था सी का पानी और वो रॉक छुप जाता था। द मैरिनर्स हर्ड द वार्निंग बेल, तो रॉक भले ही छिप जाता था लेकिन फिर भी मैरिनर्स यानी जो सेलर्स अपने शिप में बैठकर वहाँ से जा रहे होते थे उनको पता चल जाता था क्योंकि वो बेल बजती थी और बेल की आवाज़ से उन्हें पता चल जाता था। तो यहाँ पे स का साउंड रिपीट किया गया है, एलिट्रेशन है ये। एंड देन दे न्यू द पेरिलियस रॉक एंड ब्लेस द एबट ऑफ एबरब्रथॉक, तो उस बेल की आवाज़ सुनकर उन्हें तुरंत पता चल जाता था कि वहाँ पर वो खतरनाक, पेरिलियस मतलब डेंजरस रॉक है, पत्थर है, और फिर वो लोग बच जाते थे और इसीलिए वो एबट ऑफ एबरब्रथॉक को ब्लेस करते थे। ब्लेस्ड ओल्ड इंग्लिश फॉर्म है जिसका मतलब होता है ब्लेस्ड, तो वो लोग उसे ब्लेस किया करते थे कि एबट ऑफ एबरब्रथॉक बहुत ही अच्छे हैं और अच्छा हुआ उन्होंने उस बॉय पे बेल लगा दी है। द सन इन हेवन वो शाइनिंग गे, तो फिर से यहाँ पे जो हेवन है वो आकाश को कहा गया है, स्काई को कहा गया है। द सन इन हेवन वो शाइनिंग गे, तो गे का मतलब होता है हैप्पी होना, तो बहुत ही हैप्पीली सन निकला हुआ था बाहर। तो यहाँ पे सन को एक ह्यूमन क्वालिटी दी गई है हैप्पी होने की, इसलिए पर्सोनिफिकेशन है। ऑल थिंग्स वेर जॉयफुल ऑन दैट डे, और उस दिन पर सब कुछ सुंदर लग रहा था। द सी बर्ड स्क्रीम्ड एज दे व्हील्ड अराउंड, तो जो समुद्री चिड़ियाँ हैं वो सब चिल्ला रही थी गोल घूमते हुए। व्हील्ड अराउंड का मतलब होता है टू टर्न अराउंड क्विकली। एंड देर वॉज जॉयंस इन देयर साउंड, और उन चिड़ियों की आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी महसूस हो रही थी। द बॉय ऑन द इंच केप बेल वॉज सीन अ डार्कर स्पेक ऑन द ओशन ग्रीन, तो वो जो
बेल लगा हुआ वो जो लकड़ी का टुकड़ा था, बॉय था, वो एक बहुत ही डार्कर स्पेक स्पेक यानी कि डॉट, एकदम डार्क डॉट जैसा दिखाई दे रहा था ग्रीन ओशन में, ग्रीन समुद्र में. सर राल्फ द रोवर वॉकड हिज डेक एंड ही फिक्स्ड हिज आई ऑन द डार्कर स्पेक. तो सर राल्फ जो कि एक समुद्री लुटेरा था, रोवर यानी जो एक जगह से दूसरी जगह बस घूमता ही रहता है, वो एक समुद्री लुटेरा था, वो अपने समुद्र के डेक पर चल रहा था और उसने उस डार्क डॉट पर नज़र गड़ाई, उसने अपनी आई फिक्स की. ही फेल द चेयरिंग पावर ऑफ स्प्रिंग. तो यहाँ पे जो स्प्रिंग है, वसंत ऋतु है, उसे एक चीयर यानी खुश होने की पावर दी गई है, फिर से ह्यूमन क्वालिटी है और इसे इसलिए ये फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन है. इट मेड हिम विसल, इट मेड हिम सिंग. तो उस बॉय को देखकर और उस बेल को देखकर उसे बहुत ही खुशी हो गई और वो सीटी बजाने लगा, गाने लगा. तो यहाँ पे मेड हिम रिपीटेड है इसलिए रेपिटेशन है. हिज हार्ट वॉज मर्थफुल टू एक्सेस. मर्थफुल मतलब हैप्पी होना, वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गया. बट द रोवर्स मर्थ वॉज विकेडनेस. लेकिन उसकी जो खुशी है वो एक्चुअली खुशी नहीं थी, उसकी खुशी विकेडनेस क्रुएलिटी थी. वो कोई बुरा काम करने जा रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा विकेड था. हिज आई वॉज ऑन द इंच केप फ्लोट. तो उसकी नज़रें बस उस इंच केप फ्लोट यानी उस बॉय पर गड़ी हुई थी, कोत ही. और फिर वो बोला माई मैन पुट आउट द बोट. कोत एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है सैड. तो उसने अपने लोगों को कहा चलो इस बोट को नीचे उतारो. तो यहाँ पर एक्चुअली होना चाहिए था ही कोथ या ही सेड, तो उल्टा लिखा हुआ है वर्ड्स आगे पीछे, इसलिए ये इन्वर्जन है फिगर ऑफ स्पीच. एंड रो मी टू द इंच केप रॉक एंड आई विल प्लेग द एबिट ऑफ एबरब्रथॉक. तो उसने अपने लोगों से कहा, बाकी के सेलर्स से, कि बोट को नीचे उतारो और मुझे इंच केप रॉक तक पहुँचाओ और मैं एबोट ऑफ एबरब्रथॉक को मज़ा चखाऊंगा, प्लेग करूँगा यानी कि आई विल कॉज हिम पेन और ट्रबल, मैं उसे मुसीबत में डालूंगा. तो अब देखिए वो कैसे मुसीबत में डालेगा. द बोट इज़ लोअर्ड, द बोट मैन रो. तो बोट को नीचे किया गया और वो जो उसके बोट वाले हैं उसे रो करके उस बॉय तक लेकर गए. एंड टू द इंच केप रॉक दे गो. इंच केप रॉक तक वो गए. फिर से ये वर्ड्स आगे पीछे हुए हैं, दे गो टू द इंच केप रॉक होना चाहिए था और इसीलिए फिगर ऑफ स्पीच इन्वर्जन है. सर राल्फ बेंट ओवर फ्रॉम द बोट एंड ही कट द बेल फ्रॉम द इंच केप फ्लोट. तो उसके बाद फिर वो उसने क्या किया कि वो अपनी बोट से आगे झुका और उसने इंच केप फ्लोट से यानी उस बॉय से उस बेल को काट दिया, जैसे कि हम यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि वो बेल को काट रहा है. तो उसने बेल को काट दिया. अब देखिए आगे क्या हुआ. डाउन संग द बेल विथ अ गर्गलिंग साउंड. तो गर्गल करते हुए, गर्गल गर्गल ऐसी आवाज़ करते हुए वो जो बेल है वो डूब गई. तो यहाँ पे एक आवाज़ के बारे में बात हो रही है इसलिए फिगर ऑफ स्पीच ऑनोमेटोपोया है. द बबल्स रोज एंड बर्स्ट अराउंड. तो हर जगह बस बुलबुले ही बुलबुले थे जो फूट रहे थे. तो हम देख सकते हैं बबल्स और बर्स्ट में ब का साउंड रिपीट किया गया है इसलिए ये एलिट्रेशन है. कोथ सर राल्फ द नेक्स्ट हू कम्स टू द रॉक वोंट ब्लेस द एबिट ऑफ एबरब्रथॉक. तो उसके बाद फिर सर राल्फ बोला कि अब जो भी कोई इस रॉक तक आएगा ना वो एबिट ऑफ एबरब्रथॉक को ब्लेस नहीं करेगा, उल्टा उसे श्राप देगा, उसके बारे में बुराई करेगा. इसीलिए क्योंकि अब तो वो घंटी है ही नहीं, बेल है ही नहीं, तो जो भी कोई आएगा वो उस पत्थर से टकराएगा और उसकी बोट डूब जाएगी और तब वो डेफिनेटली एबट ऑफ एबरब्रथॉक को ब्लेसिंग तो नहीं देगा. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी हम देख सकते हैं. व्हेन द रोवर स्पॉटेड द बेल ही कट द बेल फ्रॉम द बॉय. दिस वॉज एन एक्ट ऑफ. तो उसने वो जो बेल को काटा वो क्यों काटा, इसलिए क्या उसे नफरत थी, गुस्सा था या जेलिसी थी या फ्रस्ट्रेशन था, क्या था. सो ऑब्वियसली उसे जलन थी एबट ऑफ एबरब्रथॉक से, उसे जेलिसी थी और उस जलन की वजह से उसने वो काट दिया था क्योंकि उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि जो एबट ऑफ एबरब्रथॉक हैं लोग उनकी तारीफ करते हैं. और गर्गलिंग साउंड जो है ये फिगर ऑफ स्पीच ऑनोमेटोपिया हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. अब देखिए आगे क्या होता है. सर राल्फ द रोवर सेल्ड अवे. तो उस बेल को काटने के बाद सर राल्फ द रोवर वहाँ से सेल करते हुए चला गया. ही स्काउड द सीज फॉर मैनी अ डे. और बहुत दिनों तक वो सी में घूमता रहा
और जो भी कोई मिलता था उसको वो लूट लेता था। स्काउट का मतलब दिया हुआ है ट्रैवल्ड फ्रीली एनर्जेटिकली फॉर शिप्स टू रॉब। तो वो ट्रैवल करता रहा बहुत सारे समुद्रों में ताकि लोगों को वो लूट सके। एंड नाउ ग्रोन रिच विथ प्लंडर्ड स्टोर ही स्टीयर्स हिज कोर्स फॉर स्कॉटलैंड शोर। तो अब वो अमीर हो गया था इतनी ज़्यादा चोरी चकारी करने की वजह से। प्लंडर करना यानी कि लूटना, प्लंडर्ड स्टोर का मतलब है बहुत सारी लूटेड वेल्थ थी उसके पास, और उतना सारा पैसा लेकर उसने अपने जहाज़ को स्टीयर किया यानी डायरेक्शन बदला अपने शिप का, और स्कॉटलैंड की तरफ वो जाने लगा। सो थिक अ हेज ओवर स्प्रेड्स द स्काई। लेकिन तभी आसमान में बहुत ही ज़्यादा मिस्ट, बहुत ही ज़्यादा फॉग आ गया। हेज का मतलब दे कैन नॉट सी द सन ऑन हाई, और इसी वजह से वो लोग सूरज को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे उस फॉग की वजह से। द विंड हैथ ब्लोन अ गेल ऑल डे, और बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हैथ ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है हैज़ के लिए, द विंड हैज़ ब्लोन होना चाहिए, तो हैथ ओल्ड इंग्लिश वर्ड है। तो बहुत सारे ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। इस पोएटिक डिवाइस को हम कहते हैं आर्काइज्म। एट इवनिंग इट हैथ डाइड अवे, तो जो हवा पूरे दिन चल रही थी वो शाम होने पर एकदम से बंद हो गई वो हवा। ऑन द डेक द रोवर टेक्स अ स्टैंड, तो डेक पर रोवर अभी खड़ा था। फिर से ये जो लाइन है वो इन्वर्जन है क्योंकि वर्ड्स यहाँ वहाँ हुए हैं। द रोवर टेक्स अ स्टैंड ऑन द डेक होना चाहिए। सो डार्क इट इज़ दे सी नो लैंड, इतना अंधेरा था कि उन्हें ज़मीन बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी। कोच सर राल्फ इट विल बी लाइटर सून, तो सर राल्फ ने कहा कि चिंता मत करो जल्द ही रोशनी होगी। फॉर देयर इज़ द डॉन ऑफ द राइजिंग मून, क्योंकि चंद्रमा बस उगने ही वाला है। कांस्ट हियर सेड वन द ब्रेकर्स रोर, तो तभी जो उनमें से एक है वो कहता है कि क्या तुम्हें आवाज़ सुनाई दे रही है? द ब्रेकर्स रोर, लहरों की आवाज़ें सुनाई दे रही है। फॉर मी थिंक्स वी शुड बी नियर द शोर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, मी थिंक्स मतलब आई थिंक वी शुड बी नियर द शोर, कि हम लोग किनारे बस पहुँचने ही वाले होंगे। नाउ वेयर वी आर आई कैन नॉट टेल, लेकिन हम कहाँ पे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट आई विश आई कुड हियर द इंच के बेल, लेकिन काश कि हमें इंच के बेल सुनाई देती तो हमें पता चलता कि हम कहाँ हैं, और हमारे ऊपर ये खतरा नहीं मंडरा रहा होता कि हम लोग कहीं उस पत्थर से टकरा ना जाएं। दे हियर नो साउंड द स्वेल इज स्ट्रॉन्ग, लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी साउंड सुनाई नहीं दे रहा था, और जो समुद्र की लहरें हैं वो भी बहुत ही ऊपर उठ रही थी। दो द विंड हैथ फॉलन दे ड्रिफ्ट अलोंग, तो हालांकि हवा नहीं चल रही थी लेकिन फिर भी वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, ड्रिफ्ट कर रहे थे, मतलब दे वर मूविंग स्लोली। टिल द वेसल स्ट्राइक्स विद अ शिवरिंग शॉक, कि तभी जो उनका जो वेसल है, वेसल यानी कि शिप, वो अचानक से टकरा जाता है शिवर करते हुए, हिलते हुए। ओ क्राइस्ट इट इज़ द इंच केप रॉक, तब उन लोगों को पता चलता है कि अरे हम लोग तो इंच केप रॉक से टकरा गए हैं। तो ये लाइन कौन कहता है? सर राल्फ द रोवर कहता है, ओ क्राइस्ट, हे भगवान, ये तो इंच केप रॉक है, हम उससे टकरा गए हैं। तो वो ऐसा क्यों कहता है? वॉट मेड राल्फ द रोवर टू एक्सक्लेम दिस लाइन, वो ऐसा इसीलिए कहता है बिकॉज वो शॉक हो जाता है, साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। ही वॉज वेरी स्कैर्ड एंड शॉक्ड, इसलिए बिकॉज वो मरने वाला था इसलिए वो इस लाइन को कहता है। सर राल्फ द रोवर टोर हिज हेयर, तो वो झुंझलाहट की वजह से, इरिटेशन की वजह से वो अपने बालों को खींचने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि अब वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका जो शिप है वो ऑलरेडी उस पत्थर से टकरा गया है। ही कर्स्ड हिमसेल्फ इन हिज डिस्पेयर, और अब क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाएगा ऐसी हालत में वो अपने आप को ही कर्स करने लगता है, अपने आप को ही वो श्राप देने लगता है। द वेव्स रश इन एवरी साइड, तब तक उसका जहाज़ पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है और हर जगह से लहरें आने लगती हैं। द शिप इज सिंकिंग बीनीथ द टाइड, और जो उसका जो शिप है वो लहरों के नीचे बस डूबने लगता है। बट इवन इन हिज डाइंग फियर, और अपनी मौत के डर में भी, वन ड्रेडफुल साउंड कुड द रोवर हियर, उसे अभी भी राल्फ द रोवर को एक साउंड सुनाई दे रहा था, अ साउंड एज इफ विद द इंच के बेल द डेविल बिलो वॉज रिंगिंग हिज नेल, तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो जो इंच के बेल जो उसने काट दी, जो डूब गई है, वो तो समुद्र के अंदर बज ही रही है, उसके साथ साथ उसका उसकी जो डेथ नेल है, यानी जब कोई मरता है तो मरने के टाइम पे जो एक
घंटी बजती है, वो घंटी भी बज रही हो। तो ऐसे ऐसा उसे लगा राल्फ द रोवर को कि जो डेविल है, शैतान है, नर्क का जो हेड है, शैतान डेविल, वो भी उसके लिए बेल बजा रहा हो। यानी बेसिकली ये पूरी लाइन एक सिंबल है डेथ के लिए। राल्फ द रोवर समझ गया कि अब उसे मरना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि उसने बुरा किया था। अगर वो उस बेल को नहीं काटता तो डेफिनेटली उसकी जान बच जाती, लेकिन उसने जलन के कारण उस बेल को काट दिया और इसी वजह से उसे भी मरना पड़ेगा। तो नेल का मतलब क्या होता है? द साउंड ऑफ ए बेल रंग सोलेमली आफ्टर डेथ और एट अ फ्यूनरल अनाउंसमेंट ऑफ ए डेथ। तो जब कोई मर जाता है तब एक बेल को बजाया जाता है, उसी साउंड को नेल कहा जाता है। तो वही साउंड राल्फ द रोवर को सुनाई देने लगा। तो एक्चुअली उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, वो बस इमेजिन कर रहा था, इसलिए क्योंकि वो समझ चुका था कि अब उसकी जो डेथ है वो करीब आ चुकी है, अब उसे मरना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि उसने बुरे काम किए थे। और यहाँ पर हमारी पोएट्री ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये पोएट्री का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। और फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और अगर आप 12th स्टैंडर्ड HSC बोर्ड में हैं और बाकी के पोएम्स का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो 12th स्टैंडर्ड HSC बोर्ड की प्लेलिस्ट में आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।